एवरीवन प्लीज बता देना मैं ऑडिबल एंड विजिबल हेलो देर क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है वेल लेट मी जस्ट क्विकली चेक क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को गुड इवनिंग गाइज एंड गर्ल्स कैसे सभी लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाय संस्कृति हाय अमन अभय आनंद वंश एंड वैशु इमरान मोहम्मद इमरान सोनल श्रेया राहुल ओंकार निशांत शिवम क्या हाल है जितेश वंशिका मौसम प्रीति गोल ईशा साई कैसे सभी लोग प्लस पे कॉल भी ले लिया करो अरे करता हूं मैं क्लॉ <laughs> पहले दिन में क्या क्या मतलब पहले दिन सारे कर्तव्य दिखा दू क्या बोला वो नहीं रहता कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो में सब देखना है क्या भाई हमारा क्लास कब तक चलने वाला है है ना बहुत सारे दिन है बाकी अभी अच्छा हूं भाई आप कैसे हो इतने दिन इन कोई फर्क नहीं पड़ा फिर अप्रैल तक आग लगाएंगे ना वीडियो साथ में चलिए नमस्कार आदाब सीथ्यकाल भाई बहनों देवी सज्जनों मेरा नाम है सियाद जोशी और आप लोग देख रहे हैं अन अकेडमी सी फाउंडेशन फाउंडेशन चैनल आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड पैशन दैट्स द रीजन फ्रॉम सो नाउ मेरे पास सी ए फाउंडेशन में बिजनेस लॉस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग है और सीए इंटरमीडिएट लेवल पर मैं आपको पेपर नंबर टू कॉर्पोरेट एन अर लॉस एंड पेपर नंबर सेवन एंटरप्राइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ गुड इवनिंग गाइज गुड इवनिंग तो दोस्तों हमारे फ्री चैनल है इस यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसको ज्वाइन कर सकते हैं ये मास्टर क्लास ट्राई करे लास्ट बैच का आप इसमें से भी बहुत सारी चीजें देखकर यूज कर सकते हैं अकेडमी के बारे में और उसके सब्सक्रिप्शन ऑप्शन के बारे में हम एट द एंड ऑफ दिस क्लास बात करेंगे so दोस्तों मंजिल बैच इज लाइव ट्वेंटी फोर्थ से बैच स्टार्ट हुई थी आज मंडे को मेरा सुबह फर्स्ट लेक्चर हुआ एट टू नाइन थर्टी वंडरफुल एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला इस मंजिल बैच में बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स तो आप लोग भी इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं आज से पहला लेक्चर हुआ है हम लोगों ने कंपनीज एक्ट का एकदम बस समझ लो कि वी आर जस्ट क्रैच द सर्फिस दैट्स इट तो अभी पहला ही लेक्चर है आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट यूज द कोड सी आदर्श बाय प्लस एंड ज्वाइन मंजिल बैच इस बैच में आपको कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा का पूरा पढ़ाई करवाया जाएगा आपको टीचिंग भी इसमें होगा रिविजन uh, भी होगा राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा यानी कि आर टी पीज एम टी पीस वीवाई की राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा और आप यू विल बी प्रिपेयर्ड द मोस्ट एक्सेलेंट सॉर्ट ऑफ वे फॉर योर रखना ये जो बैचेस है ना जो बहुबली टीम लेकर आता है हमने हमारे फाउंडेशन uh, के रिजल्ट कई बार आप लोगों के साथ शेयर किए दीज आर द बैचेस और ये सही वक्त है सही फैसले लेने का अभी आप जिस पॉइंट पे खड़े हो अपनी लाइफ में अभी आपको सही फैसले लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है तो सी आदर्श कोड इस्तेमाल करके बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना तो दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बिकॉज गैप बहुत ज्यादा हो चुका है कि हम लोग क्या कर रहे थे हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम लोगों ने पहला यूनिट स्टार्ट किया था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको एक एक चीज बताई व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्रपोजल है ना इन्फोर्सेबिलिटी सभी बताया मैंने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो इलेवन इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे ये सब मैंने आपको बताया उसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था बेस्ड ऑन एन्फोर्सबिलिटी बेस्ड ऑन फॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एज वेल ठीक है याद है टैसेट कॉजी हमने हर चीज़ ई e कॉन्ट्रैक्ट ये सब पढ़ लिया था उसके बाद हम लोग गए थे ऑफर में और हम लोग देख रहे थे कि वॉट आर द इसेंशियल्स ऑफ ऑफर उसमें हमने बताया था कि यार ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस टू गेट टू डू और नॉट टू डू समथिंग एक्सप्रेस विद द व्यू ऑफ ऑपटेनिंग एसेंट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फिर हम लोगों ने देखा कि ऑफर्स कितने तरह के होते हैं और इसमें हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ लिया था जनरल ऑफर के बारे में अगर आपको याद होगा तो कार्लिल वर्सेज कार्बुलिक्स मुकबॉल कंपनी स्पेशल ऑफर बोल्टन वर्सेज जोन्स काउंटर ऑफर हमने पढ़ाया था जो आप अपने मम्मी के साथ सब्जी लेने गए थे याद है भाव किया था हमने क्रॉस ऑफर ये एक दूसरे को क्रॉस कहां करते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर और स्टैंडिंग ऑफर जहां पर टेंडर्स फाइल होता है ये भी हमने आपको बता दिए थे सारी के सारे डिस्कशन हमारे हो गए थे इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर में मैंने बताया था इट शुड बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस अब ये पॉइंट जरा ध्यान से देखना हमने इसमें कुछ कुछ चीजें किया है आ, आपने एक मिनट मुझे कुछ स्टूडेंट सर मैंने आपको टेलीग्राम पे इन्वाइस और कोड बस स्क्रीनशॉट भेज दिया है आप चेक कर लेना ओके okay, अब है अगर आपने भेजा भेजा है और अगर वो सी आदर्श कोड है तो आई विल गेट यू एडेड वो अपने आप वो प्रोसेस हो जाती है नथिंग टू वरी अबाउट मैं इतना क्यूट क्यों हूं हाय शर्म आ गई यार मतलब <laughs> अब क्या करूं मैं कोशिश करता हूं पता है तुमको अपने लुक से डिस्ट्रैक्ट ना करूं बट तुम भी चेहरा ही ऐसा है ना कि क्यूट लग जाता हूं मैं इतने ही तो बच्चे मेरे क्लास इसीलिए नहीं ज्वाइन कर पाते कि आप इतने क्यूट हो ना सर कि आपके चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें ऐसे बोलते हैं मैंने यार ये बड़ा गजब है यार बच्चे पढ़ नहीं पा रहे क्यूटनेस की वजह से तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट यू नो टू लेकिन अब क्या करें अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार है ना चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना भाई <laughs> अरे चलो 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 जोक सा हम लोग देख रहे थे essentials of valid offer, उसके अंदर में था, it must be capable of creating legal relations. इसके बाद हमने और भी चीजें देखी थी जैसे इट मस्ट बी सर्टन डेफिनेट नॉट वीक बोला था याद है मैंने आपको हंड्रेड क्विंटल ऑयल तो कौन सा उयल? मैं मैक्सा मतलब चिड़िया गया था मैं कौन सा ऑयल तो ये भी हमने देखा इसके बाद हम लोगों ने देखा था इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर क्योंकि याद है दिल की बात दिल में रहने से क्या फायदा मैंने आपको बॉडीगार्ड मूवी का एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर हीरोइन तक हीरो की बात पहुंची नहीं तो हीरोइन की दोस्त शादी करके निकल जाते हैं भाई तो डायरेक्ट डा, करने का कम्युनिकेशन जो भी रहेगा तुम्हारे दिल में सो दैट इज कम्युनिकेशन इज एसेंशियल एंड कम्युनिकेटेड टू द ऑफर इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी मैंने आपको लालमान शुक्ला और गौरी दत्त के बीच में हुई हुई इस केस के बारे में बताया कैसे लालमान शुक्ला उसके नेफे को ढूंढ कर लाया लेकिन वेन द जनरल ऑफर वॉज मेड बाय गोरीदत्त लालमान शुक्ला वॉज नॉट इवन इन दिलेज टू लिसन टू दैट ऑफर हैंस ही शुड नेवर है हाउ शुड हाउ वुड ही एक्सेप्ट ऑफर विच वॉज ने रिवॉर्ड नाउ इट मस्ट बी मेड विद्यू ऑफ ऑप्टेनिंग दसेंट ऑफ द अदर पार्टी यानी कि आप इस तरह की ऑफर दो ना कि आगे वाला आपको हाँ या नामे जवाब दे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था याद है कि यार मैं सोच रहा हूं ना इस साल के एंड में शादी कर लो सर दिस इज नॉट एन ऑफर आपको पूछना चाहिए विल यू मैरी मी देन इट विल बी एन ऑफर बिकॉज द व्यू इज नाउ टू गेट द द एसेंट ऑफ़ अदर पार्ट हमने कहा था ऑफर कंडीशनल भी हो सकते हैं ऑफर कंडीशनल भी हो सकते हैं हाँ कैसे कंडीशनल हो सकते हैं दैट मैं तुम्हें खून दूंगा तुम मुझे आजादी दे दो वैसा अरे मतलब कंडीशनल ऑफर यानी से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऑफर दे रहा हूं दैट आई विल गिव यू माई ओल्ड कार एंड आई विल गिव यू सम कैश ऑल्सो यू गिव मी न्यू कार इट्स अ कंडीशनल ऑफर इफ यू एक्सेप्ट विल डू इट आप ये भी बोल सकते हो दैट आई वॉन्ट टू परचेज द गुड्स बट आई डोंट हैव कैश आई विल मेक पेमेंट बाई गूगल पे दैट इज अ कंडीशनल ऑफर अलाउड है एंड ऑफर कैन बी कंडीशनल द इज नो पॉइंट द इज नो प्रॉब्लम इन दैट ठीक है यार ये चीज नहीं चलेगी अब देखना ये पॉइंट्स कुछ नए पॉइंट्स है जहां पे हम लोगों को थोड़ा डिस्कशन करना है कहते हैं ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन ऑफ वुड रिजल्ट इन टू एक्सेप्टेंस एग्जाम्पल देता हूं ध्यान से सुनना और हंसना मत मेरे पे ठीक है किसको पकड़ू किसको पकड़ू शिवम यादव को पकड़ लेते हैं हा शिवम बेटा आई ऑफर टू परचेज योर मोबाइल फॉर टेन रुपीज एंड इफ यू डू नॉट रिप्लाई विद इन नेक्स्ट टू सेकेंड्स आई विल अज्यूम डैट यू एग्री विथ माई ऑफर वन टू मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया राइट नाउ आई हैव रिसीव्ड अ फोन लो बेटा ये लोग कितना चिल्लर चाहिए कैश चाहिए गूगल पे चाहिए दस रुपए बताओ ना ना पलटना नहीं अब शिवम ना 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 अब नहीं पलट सकते बेटा तुम अब तुमने मोबाइल भेज दिया भाई मैं दस रुपए गूगल पे कर रहा हूँ भाई तू मेरा फोन लाओ पहले क्या चीटिंग है ओमकार क्यों चीटिंग है वॉट इज चीटिंग यर आई गेव हिम ऑफर आई आस्ट हिम टू रिप्लाई विद इन टू सेकेंड्स ही हैज नॉट रिप्लाइड वो देखो हंस रहा है वो एक्सडी एक्सडी डी कर रहा है उसका फोन छीन लूंगा तो देखता हूँ कहां से एक्सडी एक्सडी डी करेगा अब तो देना पड़ेगा सीधी बात है शिभा शेख ने बोल दिया अब देना पड़ेगा फोन देना पड़ेगा ना अब फोन डेढ़ सौ रुपया देगा मैं <laughs> अच्छा लैपटॉप है चल बीस रुपए ले ले चल इफ ओके शिवम आई वांट टू परचेज योर आई विश टू परचेज योर लैपटॉप फॉर ट्वेंटी रुपीज इफ यू डू नॉट डिनाइड विद इन वन सेकेंड आई विल अज्यूम दैट यू है ऑफर योर टाइम स्टार्ट नाव एंड योर टाइम एंडस ना यहाँ पे बीस रुपए में आदर्श जोशी ने शिवम भाई का शिवम यादव का लैपटॉप बीस रुपए में आदर्श सर ने खरीद लिया है। सर सर एक्सेप्ट अरे सर ये क्या जबरदस्ती है अरे बेचारा रोने आ गया अरे वजा कर रहा अरे नहीं ले रहा था लैपटॉप द थिंग थिंगयर इज आप डरने की बात नहीं है देखो आप सुनो मेरी बात एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी अज्यूम्ड बाय अ पर्सन ठीक है मैं ऑफर में ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई टर्म नहीं डाल सकता जिससे एक्सेप्टेंस डीम हो जाए ठीक है सो दस वन कैन नॉट से दैट इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाई अ सर्टन टाइम द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड

<laughs> इमोजी वाला लैपटॉप सस्ता नशा <laughs> समझ गया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बना सकते ठीक है अच्छा ये पता है ना आपको ऑफर आइदर स्पेसिफिक हो सकता है या जनरल मैंने आपको दोनों पढ़ाया जनरल ऑफर पब्लिक टू ला पब्लिक एट ला जो स्पेसिफिक ऑफर मतलब एनी स्पेसिफिक पर्सन ठीक है ये सारे के सारे ऑफर्स के इसेंशियल मतलब ये सारी चीजें होंगी तभी एक ऑफर वैलिड होगा और ऑफर वैलिड होगा तभी उस पर एक्सेप्टेंस लग पाएगा और तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ नहीं तो अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला जल्दी बताओ किसी को प्रॉब्लम ये देखो ये देखो मोबाइल दे रहा है मेरे को इमोजी वाला लो जल्दी बताओ यार सर आई यार्बर ट्वेंटी टू स्टूडेंट बिकॉज ऑफ यू आई एम एबल टू गेन कॉन्फिडेंस अगेन लॉ यू सर लॉ यू टू प्रणय एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विश दैट यू स्कोर अमेजिंग मार्क्स इन एग्जाम्स चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट That offer can be एक्सप्रेस or it can be implied. दोस्तों आपको express और implied यह concept मैंने बताइए याद करो अगर मैं railway station पर उतरा और एक कूली आकर मेरा सामान उठाकर ले जाने लगता है और मैं उसको कुछ नहीं कहता हूं क्या हमारे बीच में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है बोलो ये और नो सर हो रहा है आपके बीच में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वॉट इफ अगर मैं एक्सप्रेसली पूछ रहा हूँ कि मिस्टर वंश चौधरी विल यू परचेज माई लैपटॉप फॉर वन लैक इज दिस एन एक्सप्रेस ऑफर यस सर ऑफर कैसे भी हो सकते हैं इट दे कैन बी मेड आइदर बाय द वर्ड्स और दे कैन इवन बी एक्सप्रेस बाय कंडक्ट मैं अगर चाय वाले की दुकान के सामने बैठा हूँ और मैं वो मेरे को चाय ऑफर दे रहा है मतलब वो एक्सप्रेस ऑफर है कि भाई तो चाय पिएगा अगर मैं बूट पॉलिश वाले के पास अपने बूट रखता हूं इसका मतलब मैं उसको ऑफर दे रहा हूं कि बूट पॉलिश कर और अपना पैसा कमा सो so, अगर आप रास्ते पे सिग्नल पे खड़े हो ध्यान से सुनना बिकॉज ये आप में से कई लोगों के साथ हुआ होगा एंड अ बॉय स्टार्ट क्लीनिंग द कार ध्यान से सुनना आप में से कई लोगों के साथ हुआ होगा हम चौक पे खड़े हैं सडनली एक बंदा आता है और कार पूछने लग जाता है आपने उससे नहीं पूछा कि कार पूछना क्या वो आपकी कार बाय डिफॉल्ट पूछने लग जाता है इसका सीधा अर्थ यह है that कोई भी नॉर्मल इंसान बताएगा कि वो बंदा कार पूछ रहा है सो दैट ही कुड अर्न समथिंग फॉर दिस यहां द बॉय हैज मेड एन इंप्लाइड ऑफर एंड यू आर सपोज टू नाउ पेम ये हम लोग करते नहीं है पे बिकॉज वो हमारे कार के पास आता है हम लोग उसको क्या कहते हैं भाई नहीं मत पूछ मत पूछ मत पूछ राइट right? हमने देखा ये, हमने नॉर्मली बहुत जगह देखा है सो द रीजन दे कम टू यू इज दे आर गिविंग इंप्लाइड ऑफर की आई विल आई विल क्लीन यूर कार एंड यू पे मी इन रिटर्न समथिंग ठीक है तो ऑफर जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेसिव होना चाहिए इंप्लाइड ऑफर आर ऑल्सो वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ दोस्तों अब चालू होगा इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे डेंजरस टॉपिक बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसमें कंफ्यूज होते हैं अब अगला एक आधा घंटा आप मुझे फोकस से सुनना ऑफर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन आपने अपना एक इंटेंशन बताया योर इंटेंशन शुड नॉट बी एज्यूम टू बी एन ऑफर अगर आप इन्विटेशन टू ऑफर दे रहे हैं इट शुड नॉट बी कंसिडर एज एन ऑफर एंड मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अ कैजल इक्विटी अ प्रोस्पेक्टेस एंड इवन एंड एडवर्टीजमेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफर ये सारे टर्म्स आपके लिए नए हैं इज डिफिकल्ट टू तो अंडरस्टैंड है एक एक करके हम देखते हैं एक दिन आपके पापा ने आपको कह दिया क्या कि मेरे बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी बस तू तो पूरे मेहनत से मन लगाकर अपना काम कर पढ़ाई कर इज दिस एन ऑफर फ्रॉम योर फादर हाँ जालीलाल भी याद आता ना सर दिस इज मियरली हिज इंटेंशन वो उन्होंने आपको अपना एक इंटेंशन अपनी विश बताई है दिस इज नॉट एन ऑफर एक पापा आपको कहते हैं कि बेटा फाउंडेशन वन अटेम्प्ट में निकल जाना मैं आपको लैपटॉप दिला दूंगा या करना फाउंडेशन फर्स्ट में निकल जाना मैं तुम्हें लैपटॉप दिला दूंगा दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इट्स मियरली अ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैजुअल इक्विटी अ काइंड ऑफ अ इन्विटेशन बट इट्स नॉट एन ऑफर ऑफर और आंसर टू अ क्वेश्चन में भी डिफरेंस आपको पकड़ना पड़ेगा मैं एक बहुत अच्छा केस लो आपको बताना चाहूंगा आज मिस्टर हार्वी और फीसी के बीच का बहुत जबरदस्त केस लो ध्यान से सुनना यहां पर लेटर से बातें हो रही थी ठीक है एक सिचुएशन समझना यहां पर हार्वी ने मिस्टर हार्वी ने मिस्टर फेसी से एक सवाल पूछा ठीक है एक लेटर लिख के ये जो हार्वी है इन्होंने फेसी से एक कुछ सवाल पूछे ठीक है सवाल नंबर वन विल यू सेल बंपर हॉलपेन डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल कोई शक नहीं एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस क्या कहा कि आप मुझे लोएस्ट कैश प्राइस बता दो सवाल मैंने पूछे क्या क्या आप बंपर ऑल पेन बेचोगे क्या और मुझे बताइए व्हाट इज द लोएस्ट कैश प्राइस इन विच यू कैन सेल द सेम अब मिस्टर पेसी ने क्या किया मिस्टर पेसी ने इस सवाल को इग्नोर कर दिया ठीक है और टेलीग्राफ पे इन्होंने इस सवाल का जवाब दे दिया दट द लोएस्ट कैश प्राइस इज एक्स अमाउंट ठीक है पेसी ने सिर्फ इतना लिख दिया कि जो लोएस्ट कैश प्राइस है वो फॉर एग्जांपल 500 हंड्रेड है इससे नीचे हम बेचते नहीं है ये हमारा लोएस्ट है इससे नीचे हम नहीं जाते ठीक है इसके ऊपर मिस्टर हार्वी ने क्या रिप्लाई दिया देखो हार्वी ने रिप्लाई किया आई एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट मुझे हंड्रेड पेन्स खरीदने तो फेसी ने बोला कि सर आपने मुझसे पूछा कि लोएस्ट कैश प्राइस क्या हो सकता है बट मैंने आपको लोएस्ट कैश प्राइस बताया बट आई डू नॉट विश टू सेल एट द लोएस्ट कैश प्राइस अरे अब इसमें झगड़ा हो गया हारी बोलता है ये क्या मजाक है तुम मुझे बता रहे हो कि लोएस्ट कैश प्राइस ये है मैं आपको दो सवाल पूछा आपने मेरे को आंसर दिया और मना कर रहे हो तो हारवी ने फेसी ने कहा हाँ मैं वही तो कह रहा हूं ना मैंने आपको क्या मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन का जवाब दिया क्या नहीं वो मैंने इग्नोर कर दिया आपने मुझसे दो सवाल पूछे थे मैंने दूसरे सवाल का जवाब दे दिया कि लोएस्ट कैश प्राइस ये एक्स अमाउंट है बट दैट नॉट मीन दैट आई एम रेडी टू सेल यू एट दाई विल आई सेल यू एट द लोएस्ट मुझे क्या बाहर कस्टमर्स की कमी है क्या तुमने मुझे लोएस्ट पूछा मैंने तुमको लोएस्ट बता दिया बट नो वेर आई यू एट द लोएस्ट आई विल सेल यू एट हाई प्राइस नॉट लो प्राइस अब ये केस इतना झगड़ा बढ़ गया कि हार्वी ने फेसी के ऊपर केस डाल दिया कि सर इसने मुझे बेचने का पहले वादा किया और फिर तोड़ दिया और जब यह केस कोर्ट के सामने आया कोर्ट ने मिस्टर हार्वी से कहा कि सर आपको आंसर टू अ क्वेश्चन और ऑफर के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा अगर आप किसी से कोई सवाल पूछते हो और उसका जवाब वो बंदा दे रहा है डोंट कंसिडर दिस एज एन ऑफर फ्रॉम साइड ऑफर शुड कम फ्रॉम हिम्स और इट शुड गो फ्रॉम यू इट शुड नॉट मियरली बी एन आंसर टू अ क्वेश्चन एन आंसर टू अ क्वेश्चन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफर तो बहुत अच्छा केस यहां पर था और यहां पर हमको रियलाइज होता है कि अच्छा यह भी एक डिस्टिंगशन पॉइंट है सो so, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में फर्क है प्लेटिफ ने टेलीग्राम के थ्रू दो सवाल पूछे विल्यू सेल बंपर हॉलपेन एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस अब आगे वाले डिफेंडेंट ने मिस्टर फेसी ने टेलीग्राम से कहा लोएस्ट प्राइस फॉर बंबर हॉलपेन हंड्रेड पाउंड तो हार्वी ने उसको रिप्लाई किया वी एग्री टू बाय बम्पर बाई बेड पाउंड लेकिन फेसी ने कहा वी रिफ्यूज टू सेल यू एट दैट प्राइस आपने लोएस्ट प्राइस पूछा हमने आपको लोएस्ट प्राइस बता दिया बट दैट डीन वी विल सेल यू एट द लोस्ट वी विल सेल यू एट हाइर दैन दैट प्राइस द प्लेटिव sued the defendant contending that they had made an offer to sell the property at £900 and therefore they are bound by the offer. Privy counsel did not agree with the plaintiff on the ground that while plaintiff had asked two questions, the defendant replied only to the second question by quoting the price and did not answer the first question and reserve their answer with regards to their willingness to sell. Thus they made no offer at all.

बच्चे ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में डिफरेंस नहीं बता सकते आप एक और केस लॉ लो, लो अब ये केस लॉ तो बहुत ही ज्यादा फनी है मैक पर्सन एंड अपना एक दिन दो दोस्त बैठ के सिर्फ बातें कर रहे थे ऐसी कि यार मेरा मैं ये प्रॉपर्टी का ना छ हजार पाउंड से नीचे तो मैं नहीं बेचूंगा मुझे एक बात बताना जब आप कहते हो कि यार छह हजार पाउंड से नीचे मैं नहीं बेचूंगा डेट मीन की आप छह हजार पाउंड पे बेचने लग बेचने के लिए तैयार हो दैट इज योअर इंटेंशन जो आप बता रहे हो कि भाई इससे नीचे में नहीं जाऊंगा यह आपका इंटेंशन है दिस इज नॉट एन ऑफर ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर है विच शुड भी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दफर अगर ऑफर देना है तो मैं आपको ऑफर दूंगा या आप मुझे ऑफर दो फॉर सेल और परचेस ठीक है बट जस्ट बिकॉज मैंने कह दिया कि यार मैं अपने फोन का ना साठ हजार से नीचे तो फोन में बेचूंगा नहीं बट देखता हूं मैं तो यार इसका मतलब ये नहीं कि मैं साठ हजार पे बेच दूंगा मैं देख रहा हूं ना अभी हो सकता है मैं अस्सी हजार डिसाइड करूं करेक्ट एक और ले लो आप कभी होटल में गए हो होटल मेन्यू कार्ड देखा है वहां पर या कभी आप शॉपिंग मॉल गए होंगे तो आपने टैग लगे देखे होंगे कपड़ों पे जीन्स के ऊपर टी शर्ट्स के ऊपर शर्ट्स के ऊपर क्या ये ऑफर होते हैं सोच के बताना ये जो मेन्यू कार्ड पे प्राइजेस लिखे होते हैं या जो कपड़ों के ऊपर टैग लगे होते हैं दे आर सिंपली आंसरिंग टू द क्वेश्चन हाउ मच कि भाई आप वेटर से पूछ पूछ के ना परेशान कर दो कि परी टिक्का कितने का है दाल तड़का कितने की है रोटी कितने की है मैं बोलता हूं मैंने ही आपको सारे प्राइस बता दिए कि भाई ये ये चीजें ये ये रेंज में हमारे पास अवेलेबल हो सकती है अब आप बताओ आपको इसमें से क्या परचेस करना है दे आर जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर कई बार आपके साथ हुआ होगा ना ऐसा फॉर एग्जाम्पल आपने एक होटल में बोले भैया एक काम करो आ, एक पनीर टिक्का मसाला और दो रोटी कर दो तो बोलता है भैया पनीर खत्म है क्या आप उसके ऊपर पुलिस केस कर सकते हो कि तूने अपने मेन्यू कार्ड में पनीर रखा और यहां पर नहीं रखा दिस इज एन ऑफर यू आर ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट सर जो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस होता है ना दैट इज नॉट एन ऑफर इट इज मियरली एन इन्विटेशन टू ऑफर जब आप उस स्टेटमेंट ऑफ प्राइस को देख के ऑर्डर देते हो ना that order is an offer when accepted and when the food is served it is acceptance and now you have to pay for the same so price list of goods does not constitute an offer for sale of certain goods on the listed price it is merely invitation to offer आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर में कभी आपने यह देखा कि ऐसे एडवर्टीजमेंट आता है फ्लैट फॉर सेल आपने ओ एल एक्स पे देखा होगा एडवर्टीजमेंट आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हमारा फ्लैट है आ, या आपने बोर्ड होर्डिंग देखेंगे फोर्टी फाइव लैक्स ऑनवर्ड्स ट्वेल्व लैक्स ऑनवर्ड टेन लैक्स ऑनवर्ड फिफ्टी लैक्स ऑनवर्ड फाइव क्रॉर्स ऑनवर्ड्स दे आर ऑल एडवर्टीजमेंट एंड देर ऑल इन्विटेशन टू ऑफर वो आपको कह रहे कि आप आइए हमारे पास बेचने के लिए है आप आइए हमारी इन्वेंट्री देखिए फिर उसके बाद आप हमें ऑफर करिए फिर अगर हम वह ऑफर अवेलेबल रहा तो हमें एक्सेप्टेंस देंगे समझ में आ गया तो जब मैं आप न्यूज पेपर देखते हो कि एक फ्लैट फॉर सेल है तो वो सिर्फ आपको बताने के लिए कि हमारे पास एक फ्लैट है अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप आओ आप देखो आपको पसंद आता है तो आप ऑफर दो और अगर हमें आपका ऑफर अच्छा लगा तो हम एक्सेप्टेंस देंगे वरना हम आपको काउंटर ऑफर देंगे और नेगोशिएशन होने के बाद अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इन केस ऑफ एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर द पर्सन मेकिंग द इनविटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर ही ओनली इनवाइट द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर आपने जॉब का भी देखा होगा कि वी आर हायरिंग लिखा रहता है पे कि हम यंग कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं बिकॉज वी आर हायरिंग दैट डज नॉट मीन कि आप अगले दिन सीधा बैग झूला लेके मेरे आके ऑफिस में बैठ जाओगे बोलो सर बताओ क्या काम करना है मेरा सैलरी इतना इतना रहेगा अरे पागल है क्या मैंने सिर्फ एडवर्टीजमेंट दिया है कि वी आर हायरिंग अभी तुम आओ तुम्हारा इंटरव्यू होगा फिर तुम्हारा अगर सिलेक्शन होता है तब तुम्हारे को ऑफर जाएगा फिर वो ऑफर लेटर पे तुम जब एक्सेप्टेंस दोगे देन वी वी विल बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फिर आना ऑफिस में काम करने और फिर मांगना सैलरी ऐसे ही न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट देख के तो लाखों करोड़ों लोग आ जाएंगे बैठ के ऐसे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफर इज टू बी बाउंड बाय द सेम बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनविटेशन टू ऑफर इज टू जस्ट नेगोशिएट फर्दर दर ऑफर सो हिज ऑब्जेक्टिव इज टू सेंड आउट द इनविटेशन दैट ही इज विलिंग टू डील विद एनी पर्सन हु ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्विटेशन इज रेडी टू एंटेन टू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम सब्जेक्ट टू फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन सो एनी एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स By auction is also an invitation to the offer and it merely invites offers or bids made at the auction. Yes. Law will not accept it because there was no contract with Aisha. And if there is no contract, he was not duty bound to give you paneer. And if he was not duty bound to give you paneer, he did nothing wrong. So court will uh, reject your case. सर वेन द गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑप्शन द ऑप्शन डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ एनी वन हुल द ऑप्शन इज ओनली एन एडवर्टीजमेंट टू सेल बट द आइटम्स आर नॉट पुट फॉर सेल थ्रू परसन कम टू द ऑप्शन मे हैव द इंटेंशन टू परचेस सिमिलर डिसीजन वॉज गिवेन इन हैरिस वर्सेज निकर्सन अब ये हैरिस वर्सेज निकर्सन का केस तो तुम परेशान हो जाओगे सुनकर बहुत ही खतरनाक लेवल का केस है ये ध्यान से सुनना ये समझ में आया तो देखना आज दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाले हूं पूरा फोकस अपना रखना मेरे ऊपर ठीक है अब हुआ क्या 1873 की बात है बहुत पुरानी बात है ब्रिटिश के काल की बात है उस जमाने में ऑप्शन बहुत ज्यादा हुआ करते थे ठीक है मिस्टर निकरसन ने एक एंटिक जो उनके पास कई सालों से उनके परिवार में एक उनके फैमिली हेयरलूम में आता था उन्होंने डिसाइड किया कि इसको ऑक्शन करते हैं क्या डिसाइड किया इसका ऑक्शन करते हैं उन्होंने इसका एडवर्टीजमेंट डाला न्यूज़पेपर्स में और ऐसे न्यूज़पेपर में डाला जो पूरे देश में जो न्यूज़पेपर जाते जाता है ठीक है मिस्टर हरी हैरिस इन्होंने ये न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट पढ़ा एंड ही गॉट वेरी एक्साइटेड टू बाई दिस एंटिक उन्होंने कहा नो मैटर वॉट मैं घर से निकल रहा हूं अब मैं ये ऑक्शन में जाकर यह एंटिक परचेस करके ही आऊंगा ये ऑक्शन की जो प्लेस डिसाइड हुई थी वो हैरिस के शहर से काफी दूर थी तो मिस्टर हैरिस ने बहुत सारे पैसे खर्च करके ये ऑक्शन अटेंड करने के लिए वो पहुंचे तो आने जाने का फ्लाइट का जो भी उसका उनका उस समय ट्रैवलिंग का एक्सपेंस रहने का एक्सपेंस जो भी सब कुछ धंधा काम धंधा छोड़ के वही ऑप्शन में अटेंड करने के लिए आए जैसे वो ऑप्शन में अटेंड करने के लिए एंटर कर रहे थे उनको पता चला दैट मिस्टर निकर्सन हैज कैंसल्ड द ऑप्शन एंड ही इज नॉट इंटेंडिंग टू सेल दिस एंटिक एनी मोर और मिस्टर हैरिस बहुत नाराज हो गए बहुत नाराज अति नाराज मतलब वो पूरे गुस्से से लाल हो गए उनको इतना दिमाग खराब हुआ ना कि यार मैं हजारों किलोमीटर दूर से आया हूं इस एक चीज को परचेस करने एंड ही इज नॉट इवन सेलिंग इट मतलब उन्हें ऑफर देने का मौका ही नहीं मिला तो उन्होंने हैरिस ने निकरसन के ऊपर केस ठोक दिया कि आपको अब यह एंटिक बेचना ही पड़ेगा बिकॉज मैं बहुत दूर से आया हूं इसको परचेस करने अब आपको बेचना पड़ेगा मुझे बताइए क्या निकरसन को अब यह एंटिक बेचना ही पड़ेगा या वो उनकी मर्जी है वो चाहे तो बेचे वो चाहे तो ना बेचे सर लॉ कहता है दैट न्यूजपेपर एडवर्टीजमेंट वॉज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर इट वॉज

बाय द एंडिकूड नॉट रिकवर एनी थिंग फ्रॉम मिस्टर निकरसन बिकॉज मिस्टर निकरसन ने हैरिस को स्पेशल इन्विटेशन नहीं दिया था एक न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट दिया था अगर आप मिस्टर निकरसन को हर एक इंसान के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे तो जितने भी लोग ऑप्शन में आए वो सबके सब मिस्टर सब निकरसन से आने जाने का और रहने खाने पीने का खर्चा मांगेंगे विच इज नॉट राइट right. उन्होंने आपको जबरदस्ती से नहीं बुलाया आप आए थे अपने मर्जी से एडवर्टीजमेंट पढ़ के ऑफर देने

आप ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो एक बात जान लो जब तक ये दो कंसेप्ट का डिफरेंस नहीं समझ सकते ना आप तब तक आपको आपको आगे पढ़ने का अधिकार ही नहीं है मैं आपको सरल सिंपल भाषा में बता रहा हूं अब आप ही मेरे को बताओ मैं अगर वंश को कहूं वंश विल यू सेल योर मोबाइल टू मी फॉर टेन थाउजेंड इज इट एन ऑफर यस अगर मैं ईशा को कहो आई एम विलिंग टू सेल माई फोन इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टॉक टू मी इज दिस एन ऑफर और इट इज इट एन इन्विटेशन टू ऑफर सर इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर आप चाहते हो कि ईशा आपसे आके बात करे और वो आपको एक ऑफर देगी सर आप अपना फोन बेच रहे हो आई वॉन्ट टू परचेज फॉर फिफ्टी थाउजेंड एंड देन आईदर यू विल आईदर इट और यू विल रिजेक्ट इट सर इनविटेशन टू ऑफर में ना आपका इंटेंशन है कि आगे वाला आए और आपको ऑफर दे वो आए और बात करें लेकिन ऑफर में यू डायरेक्टली आर रेडी टू बी बाउंड बाय द सेम अब अगर मैंने न्यूज़पेपर में लिख दिया कि मेरे पास एक बाइक है ठीक है एंड आई एम विलिंग टू सेल दैट बाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड वी आर फ्री फॉर नेगोशिएशंस दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर मैं रेडियो में बता रहा हूं कि मेरा फ्लैट है यहां पर इस एरिया में इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय आ जाओ इनविटेशन टू ऑफर है अगर मैं प्राइस टैग है मेन्यू कार्ड है आंसर टू द क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है दिज आर ऑल इन्विटेशन टू ऑफर एंड दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट आपको आना पड़ेगा और आपको ऑफर देना पड़ेगा आपको मैं लिटरली एक और बात बताऊं आप सब्जी मंडी में जाते हो तो आप देखते हो वहां पे लोग चिल्ला रहे होते हैं बीस रुपए में दस किलो बीस रुपए में दो किलो बीस रुपए किलो बीस रुपए किलो आलू बीस रुपए किलो काना ले लो बीस रुपए किलो सुना है आपने दैट इज ऑल्सो इन्विटेशन टू ऑफर हो सकता है कि आप जब उनके पास जाए और कहे भैया दो किलो दे दो तो हो सकता है वो बोले कि सर ये वाला बीस का है वो वाला पच्चीस का है कौन सा दू आप उसको नहीं कह सकते कि सर अभी तो आप चिल्ला रहे थे बीस रुपए किलो वो बोलेगा कि सर दैट वॉज एन इन्विटेशन टू ऑफर आप आइए आप ऑफर दीजिए मैं एक्सेप्ट करता हूं ना सो इन्विटेशन टू ऑफर और आपको ऑफर में डिफरेंस समझना पड़ेगा ठीक है समझना पड़ेगा अब एक बात और मुझे पता है आप में से सभी लोगों ने प्रोस्पेक्टस ये बात नाम जाना होगा करेक्ट दोस्तों मैं एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे टीचर्स ये कंसेप्ट पढ़ाते नहीं है बिकॉज ये कंसेप्ट सी ए फाइनल लेवल का कंसेप्ट है और बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है तो वो सब लोग यूजुअली प्रॉस्पेक्ट बोल के इसको खत्म कर देते हैं, बट ये रेड हेरिंग ही क्यों? ये यहां पर कोई बताता नहीं आप गिन सकते हो इतने कम टीचर्स इस बारे में एक्चुअली बात करेंगे बाकी सब इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाए लेकिन आई बिलीव इन नॉलेज तो मैं आपको इस टेक्निकल कंसेप्ट को लेमैन मैन कंसेप्ट में लेमैन मैन कंसेप्ट में कन्वर्ट करके समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों से उम्मीद है आप पूरे ईमानदारी से मेरी बात सुनेंगे अगला पांच मिनट जरा आप मेरे को फोकस कर लेंगे ठीक है प्रॉस्पेक्टस क्या होता है सर वेन एवर कंपनी वॉन्ट्स टू इशू न्यू शेयर वेन एवर कंपनी वॉन्ट्स टू इशू न्यू शेयर वो क्या करते हैं वो प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है सर कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है उनके बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है अदर इंफॉर्मेशन होती है स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उनके मार्केट के बारे में उनके बिजनेस के बारे में उनके फ्यूचर्स के बारे में और बहुत कुछ मैं आपको अगर एक बात बोलू आप इमेजिन करना ये प्रॉस्पेक्टस कितने पेजेस के होते होंगे एनी वाइल्ड गैस चलो वाइल्ड गैस कितने पेजेस के प्रोस्पेक्ट होते होंगे आपके हिसाब से एक अंदाज बताओ चलो सोच के बताओ एक्चुअली करेक्ट वंश प्रोस्पेक्टर्स बहुत सारे लोग लगता होगा पांच दस पंद्रह पेज बीस पेज चालीस पेज प्रॉस्पेक्टर्स चार चार सौ पांच पांच सौ और आठ आठ सौ पेजेस के भी होते हैं जी हाँ यस yes. यस yes, इतने प्रॉस्पेक्टर्स के पेजेस हो सकते हैं ठीक है अब ये प्रोस्पेक्टर्स देने का पीछे का इंटेंशन क्या है कि आप ये प्रोस्पेक्टस रीड करो ठीक है एंड देन आप डिसाइड करो वेदर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अवर कंपनी ऑर नॉट अगर हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ के आप खुश होते हो देन यू विल अप्लाई फॉर शेयर्स यू विल अप्लाई फॉर शेयर्स एंड लेटर ऑन वी विल अलॉट शेयर्स टू यू अब अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ब्रेक करूं, सो दिस प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट एन इन्विटेशन टू ऑफर जो आपको बताता है कि यार हम हमारे शेयर्स इश्यू करने रेडी है अगर आप चाहते हो तो आप आके ऑफर दे सकते हो और जब आप ये प्रोस्पेक्टस पढ़ के अप्लाई करते हुए टू परचेज अवर शेयर दैट ई विल कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑफर आप बोलेंगे आई विश टू परचेज दिज मेनी शेयर इन योर कंपनी और अगर आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है देन अलॉटमेंट हो जाएगा एंड उसके बाद देयर विल बी अंट्रैक्ट सो योर प्रोस्पेक्टर्स इज एन इन्विटेशन टू ऑफर वेर एज एप्लीकेशन इज ऑफर एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ योर ऑफर ठीक है अब ध्यान से देखना अब ध्यान से देखना प्रॉस्पेक्टस तो ठीक है ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है और इसके बारे में टीचर्स बात क्यों नहीं करते दोस्तों रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दो इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है दो इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है कौन सी कौन सी एनी वन नोज नहीं ओके प्राइस पर शेयर एंड नंबर ऑफ शेयर अब सुनो मैं आपको बताता हूं रेड एयरिंग प्रोस्पेक्टर्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है आईपीओ के वक्त आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर जब कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पब्लिक होती है जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है वो आईपीओ के द्वारा अपने इक्विटी शेयर प्राइमरी मार्केट में शेयर होल्डर्स के सामने रखती है अब प्रॉब्लम क्या है मेरे कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स नहीं है करेक्ट मार्केट में नहीं है तो हाउ विल आई वैल्यू द प्राइस ऑफ द शेयर Example, मैं आप समझो तकलीफ समझो भाई मैं मेरी जो कंपनी है ये जिंदगी में पहली बार पब्लिक जा रही है करेक्ट इसके पहले वो उन्होंने पब्लिक नहीं किए ये पहली बार शेयर्स पब्लिक के लिए ओपन हो रहे करेक्ट तो हाउ विल आई नो कि क्या रेट में बेचू और कितने क्वांटिटी में बेचू तो ये दो चीजें मिसिंग है मेरे को पता ही नहीं है कि क्या रेट रखू अब इसका प्रॉब्लम समझो अगर मैंने लेट रेट लो रख लिए तो मेरा नुकसान है लॉस है कि भाई अगर मैं अपना एक एक शेयर पांच सौ रुपए में बेच सकता था मगर मैंने बेवकूफी कर दी सौ रुपए में बेच दिए और अगर मैं अपना शेयर हाई में बेचू फॉर एग्जाम्पल की मेरा शेयर सौ रुपए के ऊपर कोई लेने में तैयार नहीं है और मैंने पांच सौ रुपए रख दिया है तो फिर से लॉस होगा बिकॉज वन विल परचेज द शेयर एंड द आईपीओ विल बी लॉस्ट यार ये तो सर लूज लूज सिचुएशन है और इस सिचुएशन से बचने के लिए इस सिचुएशन से बचने के लिए आईपीओ के वक्त रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट इश्यू किया जाता है जिसमें नंबर ऑफ शेयर और प्राइस पर शेयर दोनों चीजें हम नहीं बताते हम आपको क्या बोलते हैं वी आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग आवर शेयर दीज आर ऑल द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द शेयर यू टेल मी हाउ मेनी शेयर यू विल परचेस एंड वॉट विल बी द वैल्यू पर शेयर मैं बहुत लेमैंड टर्म में बता रहा हूं ये टेक्निकल टर्म नहीं है सी ए फाइनल में आप टेक्निकल टर्म में समझेंगे मैं आपको समझ में आया उस हिसाब से बता रहा हूं अब चालू होगा बीडिंग प्रोसेस अब जो प्रोसेस शुरू हो रहा है ध्यान से देखना अब क्या होगा लोग ऑफर करेंगे सर मैं सौ शेयर परचेस करूंगा एट हंड्रेड एंड फिफ्टीन पर शेयर ये मिस्टर ए ने कहा ऐसे ही मिस्टर बी आएगा एटी शेयर्स हंड्रेड रुपीज पर शेयर वॉट अब आपको ऐसे डेढ़ दो हजार तीन हजार पांच हजार दस हजार कस्टमर्स अपने अपने नंबर ऑफ शेयर्स और अपने अपने प्राइस पर शेयर आपको बताएंगे अब आप क्या कर सकते हैं आप इस प्राइस पर शेयर को एवरेज आउट कर सकते हैं कि भाई टोटल इतने शेयर्स और ये एवरेज प्राइस पे इतने शेयर्स हम लोग खरीद रहे हैं। चलो आपने अगर प्राइस एवरेज आउट कर ली नम, पूरे प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिडिंग करके आपने अंदाजा लगा लिया कि दीज मेनी शेयर्स विल बी बॉट एट दिस रेट अब होगा क्या आपके पास एवरेज निकाल के एक रेट आ गया से फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड एंड टेन रुपीज पर शेयर यह आपने डिसाइड किया कि अगर मैं हंड्रेड एंड टेन रुपीज का रेट रखता हूं पूरे मेरे शेयर बिक जाएंगे बिकॉज कुछ लोग अस्सी रुपए में परचेस करने तैयार है तो कुछ एक सौ तीस में भी परचेस करने तैयार है मैंने उसका एवरेज निकाला है और जब मैंने एवरेज निकाला तो मेरे को ये एक सौ दस का रेंज आया है तो मैं एक सौ दस में इसको बेचने तैयार समझ में आ रहा है आपको हा अब ध्यान से देखना अब आपके पास ये तो आ गया कि प्राइस पर शेयर क्या है बट वॉट विल बी द क्वांटिटी ऑफ शेयर ये क्वांटिटी कैसे आएगा सर प्राइस तो आ गया एवरेज कि कितना लोग देने तैयार है बट कितने नंबर ऑफ शेयर बेचू अब वो डिपेंड करेगा आपको कितने पैसों की जरूरत है उस पर फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू गोइंग पब्लिक आपको कोई नया एडवेंचर स्टार्ट करना है आपको कोई नई कंपनी एक्वायर करना है आपको कोई नया प्रोजेक्ट लेना है कोई नई मशीन परचेस करना है वॉट इज योर लॉजिक आपको कितना पैसा चाहिए सिर्फ एग्जाम्पल आपने कहा कि सर मुझे एक हजार या एक काम पर मुझे एक करोड़ रेस करना है ठीक है आपने कहा मुझे एक करोड़ रुपए चाहिए सिंपल है आपको एक करोड़ रुपए चाहिए ठीक है एक आदमी एक सौ दस रुपए आपको नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे आपको इतने पैसे की जरूरत है एक शेयर का आदमी इतना देने तैयार है तो आप एक काम करो कैलकुलेटर पे एक करोड़ लो देखना और डिवाइड करो एक सौ दस से और आपके सामने आ जाएगा कि आपको 90 करने पड़ेंगे। तो एक काम करो नाइनटी वन थाउजेंड शेयर सिंपल 91,000 शेयर इंटू हंड्रेड एंड टेन रुपीज आपको एक करोड़ दस हजार रुपए तो कर लिया, okay, मैं करूंगा एट द रेट ऑफ वन हंड्रेड एंड टेन रुपीज पर शेयर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर विल बी हंड्रेड रुपीज एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम बी टेन रुपीज पर शेयर हंड्रेड रुपीज पर शेयर विल फेयर खत्म हो गया अब क्या होगा जब ये दो तीन इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई ये रहा आपका नंबर ऑफ शेयर ठीक है और ये आ आगे आपका प्राइस पर शेयर ठीक है ये रही इंफॉर्मेशन वन और ये रही इंफॉर्मेशन टू अब ये इंफॉर्मेशन आप एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के उसके अंदर सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन डालेंगे दैट प्राइस पर शेयर इज हंड्रेड एंड टेन

या आपका इंटेंशन था टू नेगोशिएट सर्टन ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक सर हमारा इंटेंशन था टू नेगोशिएट एन ऑफर एंड हेंस मैं कह रहा हूं इट वॉज एन इन्विटेशन टू ऑफर फिर लोगों ने आपको ऑफर दिए अभी आपका प्राइस आ गया ना अब आपको लोग ऑफर देंगे एप्लीकेशन करके और उसके बाद आप उनको अलॉटमेंट करके एक्सेप्टेंस दे देंगे बेटा ये जो प्रोसेस आपने की है ना इस प्रोसेस को कहा जाता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या जाता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस और इसको कहा जाता है जो आपने क्या ना नंबर ऑफ शेयर निकालो उसका एवरेज निकाल लो फिर इससे डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो इसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहा जाता है तो जब भी कंपनी आईपीओ करती है कोई नई कंपनी है ऑफकोर्स आईपीओ कर रही है तो वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है और बुक बिल्डिंग से वो अपना शेयर्स का वैल्यू फाइनलाइज करते ठीक है समझ में आया आपको सो so, ये रेड रेडिंग प्रोस्पेक्टस इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू मेक अ ऑफर इट इज नॉट एन ऑफर इन इट ठीक है स्टेटमेंट ऑफ प्राइस मैंने आपको बताया था इट इट इज नॉट एन ऑफर वेल ठीक है कल जब हम मिलेंगे हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे कि ये इन्विटेशन टू ऑफर क्या है एंड हाउ डू बी डिफ्रेंशिएटेड विद नॉर्मल ऑफर ठीक है लेकिन आज हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं ये सब आपको बता दूं तो ये हम कल करेंगे कि वॉट इज इन्विटेशन टू ऑफर ये हम यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे आज के लिए बस इतना काफी है सो तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर आए हो और आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है डोंट फर्गेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आपके व्यूज आपके लाइक्स आपके कमेंट्स और आपके शेयर से ही हमारे क्लासेस के बारे में बाकी बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और वो हमें ज्वाइन करेंगे बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बातें मैं आपको बताता हूं सो प्लीज डोंट फकेट टू सपोर्ट मी इन दिस क्लासेस दोस्तों अन अकेडमी में प्लस परचेस करने से आप लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस पा सकते हो और आइकॉनिक लेंगे तो पर्सनलाइज गाइडेंस स्टडी प्लानर स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेंगे प्लस और आइकॉनिक के ऑप्शंस आपके सामने हैं इनमें से जो और लेटेस्ट प्राइस आपको हमेशा ऑनलाइन वेबसाइट पे ही मिलेगी प्लीज़ डोंट फगेट टू यूज़ द हैशटैग सी ए ए डी ए आर एस एच सी आदर्श इस हैश टैग को यूज़ करिए और मुझे सपोर्ट करिए जब तक ये हैश टैग यूज होता रहेगा मैं आपके सामने आपको दिखता रहूंगा हैश टैग का इस्तेमाल बंद तो मेरा आपके सामने आना बंद तो इसीलिए इसको इस्तेमाल करते रहिए डोंट फगेट टू ज्वाइन द मंजिल बैच आज पहला दिन था बहुत अच्छा सपोर्ट मिला सी आदर्श इस्तेमाल करिए बैच ज्वाइन करिए एंड आई विल एड यू टू द ग्रुप इमीजिएटली थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत साइनिंग ऑफ सी आदर्श जोशी थैंक यू सो मच लव यू ऑल बाय बाय टेक केयर एवरी